बेटे नाइन्थ में। व्हाट इज कैंसर? जी अब्दुल्ला, शाबाश। एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन ऑफ द सेल्स। प्रोलिफिकेशन हम कहते हैं कि जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं, हमें ज़रूरत नहीं थी उन सेल्स की और एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाएं, वो सेल अपने जब एबनॉर्मल है तो अपना काम भी वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को हम वो कहते हैं कि ये माइटोसिस है, कैंसर है। वैसे तो आपकी जो माइटोसिस है वो प्रोग्रामड होती है, लेकिन कैंसरस सूरत में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, ये एरर है माइटोसिस का। इसी तरह जिस तरह हमारी बॉडी में बाकी जगहों पे कैंसर हो सकता है, उसी तरह हमारे लंग्स जो हैं इनमें भी कैंसर। अब इसका रूट काज क्या है लंग कैंसर का? स्मोकिंग या इनहेलेशन ऑफ स्मोक, गाड़ियों का धुआं, सिगरेट का धुआं, या किसी भी तरह से। ये नहीं है कि जो सिगरेट पीता है वही, नहीं, जो बेचारा लगातार सफ़र में है, ट्रैवलिंग में है, उसको भी होने के चांसेस है। जो धुएं के पास, सड़कों के पास रहते हैं लोग, रेजिडेंट हैं, उनको भी होने के चांसेस हैं। अब स्मोकिंग किसी भी सूरत है, टबैको स्मोक वैसे, या आप गाड़ियों बसों का धुआं जो है। अच्छा, अब इसमें सिगरेट पीने वाला और दूसरा उसके साथ बैठने वाला, सर एक्टिव स्मोकर को कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उसके साथ बैठने वाले के। उसकी वजह, जो एक्टिव स्मोकर है वो धुआं लेके जा रहा है फिल्टर एंड से, किस तरफ से, और जो पैसिव स्मोकर है उसके सामने बैठने वाला वो धुआं लेके जा रहा है नॉन फिल्टर एंड से अंदर। जो इस तरफ से पी रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, यहाँ पे तो फिल्टर मौजूद था, कुछ ना कुछ तो फिल्टर हो जाएगा। ये जो धुआं चल रहा है जलते हुए एंड से, इधर तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, ये बेचारा पैसिव स्मोकर इस धुएं को सूंघता रहेगा, ये जाएगा, और ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। कहा यह जाता है कि सिगरेट के धुएं में 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद है सर? व्हाट इज कार्सिनोजेन? ऐसी चीजें जो कैंसर का बायस बनती हैं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर का बायस बनते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस, दे आर द काजेज ऑफ कैंसर। वैसे सिगरेट जो है उसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, फ़ायदेमंद कोई भी नहीं, सारे हैं नुकसानदेह, लेकिन इन 4000 में से 50 ऐसे हैं जो के कैंसर का बायस बनते हैं, कार्सिनोजेंस हैं। अब बेटे इसको रोका कैसे जा सकता है? गवर्नमेंट जो है वो अपने तई रोल प्ले कर रही है, धुआं पैदा करने वाली गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, रोका जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो ना मौजूद हों। सिगरेट जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट पर बैन है, मतलब टीवी में एड नहीं चल सकते इसके, इश्तिहारबाजी नहीं हो सकती इसकी, और जहां भी आप देखेंगे अगर इश्तिहार कोई लगा भी है तो उसके साथ उसका नोटिस लगा होता है, खबरदार तम्बाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है या कैंसर का बाइस है।